हमारे यहाँ बोलना आम तेरा बोलो और देखते देखते कुमरा में से पास से बीस इस चिरची के बीच का भिड़ंत हम सब देख रहे हैं और चिरची का मौका और किक करने का मोमेंट जरूर, लेकिन चूक का हुआ यहाँ किक करने का प्रयास किया गया और फॉल किक का मौका मिलेगा कुमरम को। और हमारे यहाँ जीज मित्र छोटे भाई मासूम जी इन विशिष्ट सुलपड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा आप भी हमारे कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद हैं तो इस मैच का आंखों देखा हाल मासूम जी आप हमारे दर्शक और बड़े बुजुर्ग हमारे आदर्श आदरणीय माता पिता तुल्य सभी दर्शकों को और दर्जनों को आप इस आंखों देखा हाल बताएं। मासूम जी वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सुकुलाल जी। अभी जो गेम चल रही है ग्रुप ई से कुमरम एफसी वर्सेस एडीएस चिरची के बीच खेला जा रहा है। इससे पहले जो गेम खेली गई थी ग्रुप डी से जो टीम डिज जीत दर्ज कर चुकी है, थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा इस हमारे सरवाड़ा के ऐतिहासिक मैदान पे जो ग्रुप डी से कल यानी रविवार का दिन दर्शक इससे पहले सुने नहीं थे, अब थोड़ा सा मैं जिक्र जरूर करूंगा। यहाँ फर्स्ट राउंड का गेम जो खेली जाएगी सो स्टार वर्सेस समर्ड बॉयज के बीच में होगी और दूसरा जो मैच होगी पड़ासी वर्सेस नाहिन स्टार के बीच खेली जाएगी और तीसरा मैच खेली जाएगी मैया बरसते हुजूर लेना मई गे बागे बसोस जूनियर बॉज थोरी बासा के बीच और ग्रुप जी का अंतिम पास राउंड का जो अंतिम मैच खेले जाएगी कल 9:45 से 10:05 के बीच में खेली जाएगी बी एस सी बाई हाथू बसोस जे के सी तलगो साई बोले के बीच में भिड़ंत होगी। देखते हैं
इस खेल के तुरंत बाद खेलने के लिए तैयारी हालत में रहेंगे जागली स्पोर्टिंग कलाई किला बसस के एस सी ओलिजारी के बीच में मुकाबला होगी और काफी ये दिलचस्पी होगी। दर्शक बंधु को कहना चाहूंगा इस तरह का मैच शायद ही यहां देखने को मिलेगा भाई। अब जो गेम खेली जा रही घूमरम एफसी वर्सेस एबीएस चिल्ची के बीच में अब तक का नतीजा जो है ना 0-0 का स्कोर रहा है। अब यहाँ चिची के पास गेंद लेकिन वहां पर थोड़ी सी दूर पसंद जरूर यहाँ खेली गई थी लेकिन अब कुमरम एफसी के पास लेकिन ये टुटुम के नाम से जाने जाते हैं काफी अनुभवी प्लेयर रहा है। अब क्या एबीएस चिल्ची जस नंबर 11 थोड़ा कप्तान के रूप में जरूर नजर आ रही है चिल्ची की टीम में आज जो है ना लेकर चलेगी नतीजा को ढूंढने के लिए। और इस तरह का शॉट अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था गोल में तब्दील हो जाती। लाल खुमरम एफसी के बाएं ओर से आक्रमण करने का प्रयास जरूर यहां पर हुई थी लेकिन अब एबीएस फिर पुनः चिना जप्टी के क्रम में थोड़ी सी गलतियां खुमरम एफसी को तो साथ 1-0 का बढ़त जरूर आप बना लेते खुमरम एफसी टीम। ओवर एक्टिंग यार यहाँ पर उछाल भरी शॉट जरूर हुई थी। कुमरम एफसी टीम भी कम नहीं है। अब इस समय जो खेल का जो गरिमा है इस समय दोनों ही टीमें बाखूबी इस सुरपाड़ के ऐतिहासिक मैदान पर निभाते हुए और दोनों ही टीमें काफी डिसिप्लिन टीम से सुसज्जित। जंगली स्पोर्टिंग क्लब
करकिला पासेस के सी पुलिस जा रही और इस खेल के तुरंत बाद खेलेंगे जैसा एफसी जयपुर पासेस रवान एक्सप्रेस बैक काफी नजदीकी मामला अच्छा मौका था उमरा मेक्सिको डिफेंडर के लिए खेले में एक पास खेलना उचित समझा और डिफेंडर ने सेंटर लाइन के पास खेला अपने साथी खिलाड़ी के लिए चकमा देते हुए साथी खिलाड़ी के लिए पास किया लेकिन पची चिरसी टीम वहां मौजूद अपना पाला में मजबूती दम रखते हुए बॉल को अपने कब्जे में रखा और बरकरार जो परेशानी था उसे डालने का प्रयास किया गया लेकिन जब कुमरा मेफ्सी के कब्जे में बॉल टिकल महफूस करना चाहते थे अच्छा मौका यहाँ किस तरह से गोल करना चाहेंगे शायद ये पता नहीं नीचे का बॉल ऊपर तरफ उछाल दिए और हेडर सभी दर्शकों का दिलों को बांधते हुए आप लोग लगे रहे अब तक का दोनों टीमों का स्कोर 0-0 पर है और देखना होगा कौन सा टीम जो सबसे पहले बढ़त हासिल करती है ये तो वही देखने वाली बात रहेगी इस हमारे सरपाड़ा के ऐतिहासिक मैदान पे या इस साल का पहला टूर्नामेंट इससे पहले ऐसे टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करती थी लेकिन आज क्या सोच के न्यू बॉयज क्लब सोलपाड़ा अपना यहाँ सोलपाड़ा के ऐतिहासिक मैदान में टूर्नामेंट का आयोजन किए हैं काफी लाजवाब है भाई और खुमबुराम की टीम इस प्रकार का आक्रमण करती रहनी होगी लास्ट मोमेंट तक अगर अगले राउंड में अगर क्वालिफाई करना हो तो अब इस तरह का शॉट लास्ट मोमेंट तक करनी होगी और वहीं इस समय चिटू के पास गेंद साथी की लड़ने की थोड़े से असफल रहा महसूस करने में कैमरा बैक रहना और राइट विंगर के लिए क्या करते हैं देखने वाली बात रहेगी ये इसी के साथ बहुत ही खतरनाक शॉट कहा जाएगा इस वक्त भाई थोड़ा सा हाथ उठा देंगे जर्सी नंबर 4 ये पहला गोल खुमरम के लिए इजाफा करता हुआ कैमरा बैक और वही छेद से देखना होगा समय यहाँ पर बहुत ज्यादा है और इस समय का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं अगर ड्रॉ पोजिशन पर अगर लानी है तो थोड़ा सा जो कप्तानी सिद्ध कर रहे हैं जर्सी नंबर 11 टूटू ये बहुत ही अनुभवी प्लेयर्स हैं जरूर आप अपना टीम के लिए क्या करते हैं थोड़ा सा फिलहाल अभी शेष रहेगा इस